गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू एनी कंडीशन लाइक अर्थराइटिस और ड्यू टू इमोबिलाइजेशन। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इन द जॉइंट ड्यू टू पेन एंड स्टिफनेस। जब भी किसी जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन कम होता है तो उस जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है रेंज में, पेन की वजह से या मूवमेंट ना होने की वजह से। तो उसको पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द जॉइंट बोलते हैं। पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द जॉइंट इज ऑफ टू टाइप, आइदर इट इज कैप्सुलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन और नॉन कैप्सुलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इन कैप्सुलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन एज नेम सजेस्ट कि जॉइंट कैप्सूल इज इन्वॉल्व एंड टू और मोर देन टू मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन ए जॉइंट। फॉर एवरी जॉइंट देर इज ए फिक्स्ड एंड सर्टेन पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन कैप्सुलर पैटर्न। सो यू शुड लर्न इन विच जॉइंट कैप्सुलर पैटर्न अकर इन विच मैनर। लाइक in shoulder joint the capsular pattern of restriction is restriction in external rotation, abduction and internal rotation. Kisi bhi joint mein pattern of restriction do tarike ka hota hai, capsular type ka restriction aur non capsular type ka restriction. Capsular type ka restriction mein जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कैप्सूल जॉइंट कैप्सूल इन्वॉल्व होता है, तो सभी जॉइंट्स का कैप्सुलर पैटर्न अलग अलग होता है। वो हमें जानना पड़ेगा कि किस जॉइंट में कैप्सुलर पैटर्न में क्या क्या मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। जैसे कि शोल्डर जॉइंट में कैप्सुलर पैटर्न होता है सबसे ज्यादा आपका एक्सटर्नल रोटेशन कम होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, फिर अबडक्शन रिस्ट्रिक्ट होता है, फिर मीडियल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये तीन मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं कैप्सुलर पैटर्न ऑफ शोल्डर जॉइंट। नाउ कम टू द नॉन कैप्सुलर पैटर्न। सो विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन नॉन कैप्सुलर पैटर्न और हाउ वी नो दिस इज कैप्सुलर पैटर्न। वी नो दिस इज द मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन कैप्सुलर पैटर्न एंड इन विच रिस्ट्रिक्शन पैटर्न वी से दिस इज ए नॉन कैप्सुलर पैटर्न। अदर देन कैप्सुलर पैटर्न लाइक शोल्डर जॉइंट other than that is external rotation, abduction and medial rotation, other than capsular pattern of restriction, any restriction is type of a non-capsular pattern. तो capsular pattern हमें पता चल गया। अब non-capsular pattern कौन सा होगा कि जो भी capsular pattern हमें पता है कि ये movement restricted है capsular pattern में, इसके अलावा किसी भी type का restriction होगा इससे अलग, कैप्सुलर पैटर्न से अलग, वो नॉन कैप्सुलर टाइप का रिस्ट्रिक्शन। थैंक यू।